गदर के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। फिल्म में एक नए स्टार की एंट्री हुई है और वो कोई और नहीं बल्कि नाना पाटेकर इसका हिस्सा है। वो फिल्म में हीरो तो नहीं है बल्कि नैरेटर बने हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नाना पाटेकर ने फिल्म के लिए अपनी दमदार आवाज दी है। नाना पाटेकर अपनी आवाज में सिने प्रेमियों को गदर मूवी की शुरुआत में डायरेक्शन देंगे। पिछली गदर मूवी में ओम पुरी नरेटर बने थे। अब दोस्तों आपको बता दें कि ओम पुरी तो हमारे बीच नहीं है। मेकर्स ने उनकी कमी को पूरा करने के लिए नाना पाटेकर को साइन किया है। फिल्म में नाना पाटेकर की एंट्री को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वहीं यूजर्स ने लिखा, अब आएगा असली मजा। लोगों ने नाना पाटेकर की आवाज की तारीफ भी की है और यूजर्स ने इस आवाज को सुपर बताया है। गदर फिल्म 22 साल के बाद 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इस समय फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल की फिर दोबारा से जोड़ी दिखेगी। दोस्तों आपको बता दें कि गदर 2 का पहला गाना रिलीज हो चुका है और साथ ही टीजर भी रिलीज कर दिया गया है और अब फैंस को ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है और सनी देओल की ये फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सनी देओल की इस फिल्म के साथ रणवीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल भी रिलीज होगी और इसी के साथ अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 भी रिलीज होगी और फिर इन तीनों फिल्मों में होगा कड़ा टकराव। फिलहाल दोस्तों आप कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।